आज सुबह मैं जल्दी उठकर निकल गया 15 अगस्त मनाने अपने स्कूल की तरफ। वैसे आज के दिन ही हमें अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिली, इसलिए पूरा देश आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इसलिए मैं इन सुहाने रास्ते से होते हुए अपने स्कूल के लिए निकला ही था कि रास्ते में मैंने क्या देखा कि हमारे स्कूल के पास में एक पेड़ गिर गया है। जब मैंने पेड़ गिरा हुआ देखा तो मैंने पेड़ जहाँ गिरा हुआ था वहां पर अपनी गाड़ी पार्क की और फिर चल दिए स्कूल की तरफ। जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा तो वहां पर स्कूल के जो बच्चे हैं वो 15 अगस्त की तैयारियां कर रहे थे, थोड़े से फूल बिछाकर साज सज्जा कर रहे थे। हमारे गांव के गणमान्य नागरिक वहां उपस्थित हुए और वहां उपस्थित होने के उपरांत अपने स्कूल की तैयारियां कर हमें आंगनबाड़ी में झंडा फहराने के लिए जाना था, तो हम सारे लोग वहां झंडा फहराने के लिए चल दिए। वहां पर हमने देखा कि झंडा जो है वो खंभे पे लटका नहीं था, और कौन लटकाएगा दुविधा में हम फंसे हुए थे। तभी वहां पर स्कूल का बच्चा चढ़ के इतनी फटाफट तेजी से चढ़ा और चढ़ के उतर गया। झंडा लटकाने के बाद वहां पर गांव वालों ने पूजा अर्चना की और झंडा फहराने का जो कार्यक्रम है वो संपन्न रूप से किया। उसके बाद हमने राष्ट्रगान गाया और फिर वहां से राष्ट्रगान गाने के बाद हम आ गए अपने स्कूल की तरफ। स्कूल पहुंचकर हमने हमारे स्कूल की तैयारियां तो पूरी हो चुकी थी, जिसके लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और अब हम अपने स्कूल में झंडा फहराने के लिए तैयार थे। जैसे ही हमने झंडा फहराया और उसके बाद राष्ट्रगान गाया और बच्चों को मिठाइयां बांटी, तत्पश्चात हमें जाना था हमारे संकुल पंचायत भवन में, जहां पर हमारे संकुल स्तर के जितने भी प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शाला के बच्चों के कार्यक्रम होने थे। उन बच्चों के कार्यक्रम को वहां उत्साहपूर्वक देखा हमने, वहां पे मिठाइयों का आनंद लिया और उसके बाद हम निकल गए अपने घर की तरफ। आपको अगर हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें।